हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोनिका भानावत है। मैं गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट इंटीरियर मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के यूनिट वुड का टॉपिक वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियन टिम्बर्स एंड वुड प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगी। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियन टिम्बर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज प्राकृतिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। ये अधिक मात्रा में नॉर्थ अमेरिका, चाइना, साउथ ईस्ट, रशिया और यूरोप में मिलते हैं। पाइन ट्रीज की ऊंचाई 260 फीट तक हो सकती है और ये हजार साल तक जीवित रहते हैं। इनमें कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो कि हजार से भी अधिक साल तक जीवित रहती है। यह बहुत ही पॉपुलर वुड है जिसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग में, सुथारी काम में किया जाता है और पूरी दुनिया में यह सभी घरों में फ्लोरिंग के रूप में, विंडोज़ में, फर्नीचर में, डोर्स में, सभी में इसका उपयोग किया जाता है। पाइन ट्रीज का जो पल्प होता है उसका ज़्यादातर उपयोग पेपर बनाने में किया जाता है। पाइन वुड में जो गांठें होती है वो गांठें बहुत ही छोटी और साफ सुथरी होती है जो कि लकड़ी को एक अलग ही सुंदरता प्रदान करती है और इस लकड़ी के कारण, इस वुड के कारण ही, इन गिठानों के कारण इनका उपयोग जो है फर्नीचर में एक नेचुरल लुक देने में इसका उपयोग किया जाता है। यद्यपि यह नरम लकड़ी है फिर भी यह प्लैनेट पर सबसे अधिक मजबूत नरम लकड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट है बबुल। बबुल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, मद्रास, बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बहुतायत में पाया जाता है। इसका उपयोग बैलगाड़ी की बॉडी बनाने में, उसके पहिए बनाने में, खेती के औजार, उनके हत्ते बनाने में, कुएं की कर्ब बनाने में, कर्ब यानी उसकी जो टॉप रिम होती है उसको बनाने में किया जाता है और गन्ने के रस निकालने में, गन्ने का जूस निकालने में और तेल बनाने के लिए उसको प्रेस करने में इसका उपयोग किया जाता है। घरों में इसका उपयोग किया जाता है और नाव बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बबुल बहुत ही मजबूत, कठोर और टिकाऊ लकड़ी होती है, ठोस लकड़ी होती है। इसका कलर जो होता है वो वाइटिश रेड कलर का होता है और यह बहुत ही अच्छी पॉलिश इस पर होती है। नेक्स्ट है देवदार। देवदार का रंग येलोइश ब्राउन कलर होता है। यह सॉफ्ट वुड में सबसे मुख्य लकड़ी मानी जाती है। इस पर काम करना आसान है। इसमें जो एनुअल रिंग्स दिखती है, एनुअल रिंग्स वे होती है जिनसे कि किसी भी पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है कि जितनी अधिक एनुअल रिंग्स होगी उतना ही अधिक पेड़ जो है वो पुराना होता है। यदि उसमें 6 रिंग्स हैं मतलब वो 6 वर्ष पुराना पेड़ है, तो इसमें जो रिंग्स होती हैं एनुअल रिंग्स वे बहुत ही क्लियर और डिस्टिंक्ट दिखाई देती है। यह थोड़ा मजबूत पेड़ होता है। यह खुशबूदार पेड़ है। इसमें यह तेलीय होता है, तेलीय मतलब ऑयली होता है, थोड़ा हार्ड और ड्राई नहीं है पेड़, यह ऑयली होता है। यह टिकाऊ है और इस पर पॉलिश बहुत अच्छी होती है। यह हिमालय में पाया जाता है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में देवदार के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। देवदार लकड़ी का उपयोग चीप मतलब सस्ते और रफ फर्नीचर बनाने में, रेलवे कोच, रेलवे स्लीपर्स, पैकिंग बॉक्सेस और संरचनात्मक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैंगो, आम की लकड़ी। आम अपने फलों के कारण बहुत अधिक जाना जाता है, बहुत अधिक फेमस पेड़ है
इसका कलर जो है वो गहरा स्लेटी रंग होता है। इस पर काम करना आसान होता है, इस लकड़ी पर काम करना आसान है। यह अपने शेप को मेंटेन रखता है, यह अपने आकार को मेंटेन रखता है और यह थोड़ा मजबूत पेड़ है। यह ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारत में यह पेड़ पाया जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग सस्ते फर्नीचर, खिलौने बनाने में, पैकिंग बॉक्सेस जो कार्टन्स होते हैं जिनमें कि सामान पैक किया जाता है, उन पैकिंग बॉक्सेस के लिए, जहाज बनाने में, कैबिनेट वर्क में और दरवाजे खिड़कियों के पैनल्स बनाने में उपयोग में इसकी लकड़ी आती है। नेक्स्ट है साल। साल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में ये पेड़ पाए जाते हैं। इस पेड़ का उपयोग और इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग रेलवे स्लीपर्स, वैगन्स, जहाज बनाने में, पुल बनाने में, और संरचनात्मक कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। इस लकड़ी के जो पोल्स होते हैं, इनका उपयोग फाउंडेशन की पाइल बनाने में किया जाता है। यह ब्राउन कलर की लकड़ी होती है। साल की लकड़ी कठोर, रेशेदार और क्लोज ग्रेन्ड वाली होती है, मतलब इसमें जो ग्रेनिंग होती है वो बहुत ही पास पास होती है। इस पर पॉलिश जो है वो अच्छी नहीं होती है, यह अच्छी पॉलिश नहीं लेता है और यह पेड़ बहुत ही धीमी और केयरफुल इसमें उपचारण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सिसु। सिसु को शीशम या टैली के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग जो है वो भूरा रंग का होता है, इसका रंग भूरा होता है। यह मजबूत और कठोर लकड़ी होती है। यह लकड़ी टिकाऊ और दिखने में सुंदर लगती है। यह अपने आकार को मेंटेन रखता है। इसे आसानी से उपचारित किया जा सकता है। शीशम की लकड़ी पर काम करना कठिन होता है, लेकिन ये पॉलिश इस पर बहुत अच्छी होती है, इसलिए पॉलिश बहुत अच्छी लेता है। ये पेड़ मैसूर, महाराष्ट्र, असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में पाए जाते हैं। शीशम की लकड़ी का उपयोग उच्च श्रेणी के फर्नीचर बनाने में, हाई क्लास फर्नीचर बनाने में, प्लाईवुड बनाने में, पुल की पाइल्स बनाने में, स्पोर्ट्स खेल के गुड्स बनाने में और रेलवे के कोच बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। यह डेकोरेटिव वर्क के लिए और नक्काशीदार काम के लिए, मतलब सजावटी कार्यों के लिए और कार्विंग वाले फर्नीचर बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यह बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है इन डेकोरेटिव काम के लिए और कार्विंग्स के लिए। नेक्स्ट है टीक। टीक को हम सागवान कहते हैं। इसका कलर जो है वो गहरे पीले से गहरे भूरे रंग तक का होता है और यह थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा कठोर होता है। यह टिकाऊ और अग्निरोधी लकड़ी होती है इसकी। इसे आसानी से उपचारित किया जा सकता है और इस पर काम करना भी आसान होता है। सागवान की लकड़ी को सबसे अच्छी लकड़ी, सबसे अच्छे प्रकार की लकड़ी माना जाता है फर्नीचर बनाने में, क्योंकि यह लकड़ी जो होती है वो अग्निरोधी और टिकाऊ लकड़ी होती है। सागवान महंगी लकड़ी में, भारत में महंगी लकड़ी में सबसे अच्छा पेड़ माना जाता है, सबसे अच्छा इसकी लकड़ी मानी जाती है। यह बहुत ही सुंदर दिखती है, जब इस पर पॉलिश हो जाती है तो यह लकड़ी हमें बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक लगती है और इस लकड़ी पर दीमक, चींटों, इसका किसी का भी कोई असर नहीं होता है। यह लकड़ी बहुत ज़्यादा सिकुड़ती नहीं है और
मेटल फास्टनिंग के साथ, मतलब लोहे के कब्जों या लोहे के फास्टनिंग के साथ, लोहे के चाहे वो कुंदे हो, चाहे चिटकनी हो, चाहे कोई भी फास्टनिंग हो, उनके साथ ये जब कांटेक्ट में आती है तो इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जंग नहीं लगता है इस लकड़ी से। यह पूरे केंद्रीय भारत में और दक्षिणी भारत में पाई जाती है। सबसे लंबा पेड़ जो है देश में, सबसे लंबा पेड़ जो है कन्नीमारा टीक ट्री, वो केरला की परम्बिकुलम वाइल्ड सेंचुरी जो है, अभयारण्य जो है, उसके अंदर यह मिलता है, जिसकी लंबाई जो है वो करीब 30 मीटर है। मतलब वो करीब 30 मीटर लंबा है, सबसे लंबा, लार्जेस्ट टीक ट्री है यह। यह टीक जो है बहुत ही टिकाऊ लकड़ी है, और टिकाऊपन में यह सबसे अच्छा उदाहरण टिकाऊपन का है। इसका टीक जो लकड़ी होती है वो टिकाऊपन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है, वो इराक में, बगदाद के पास इराक में पर्शियन किंग के जो महल है उनकी दीवारों पर हमको देखने को मिलता है, जो कि 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में ये फिक्स की गई थी वहाँ पर। और कुछ कुछ इसमें जो केव्स हैं, जो गुफाएं हैं, वो करीब करीब 2000 साल भी पुरानी है। सागवान की लकड़ी का उपयोग घरों को बनाने में, घरों के कंस्ट्रक्शन में, रेलवे के कोच बनाने में, फ्लोरिंग में, फर्श बनाने में, संरचनात्मक कार्यों में, जहाज बनाने में, फर्नीचर बनाने में, और खेती के औजार बनाने में, पाइल्स बनाने में, कुएं की कप बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो वर्क है, या जो इतना सुपीरियर वर्क है, इससे किया जाता है कि वो एक सीमित मात्रा में ही किया जाता है, क्योंकि यह लकड़ी जो है वो बहुत ही महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी लकड़ियों के। अब नेक्स्ट है टून। इसका कलर रेडिश ब्राउन से डल रेड तक हो सकता है। इस पर काम आसानी से किया जा सकता है। यह भारी भार में जो है वो लाइट होती है, काफ़ी हल्की होती है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में, पैकिंग बॉक्स में, कैबिनेट बनाने में, डोर के पैनल्स बनाने में, रेलवे कोच बनाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इस टून लकड़ी का उपयोग होता है, और यह आसाम में पाई जाती है। नेक्स्ट है नीम। नीम को मार्गोसा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महोगनी फैमिली का सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ है, फास्ट ग्रोइंग पेड़ है, जिसका उपयोग मेडिसिनल प्लांट के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह ऑर्गेनिक्स और पेस्टिसाइड्स का अच्छा स्रोत है। नीम की जो हार्टवुड होती है वो बहुत ही मजबूत, और जो हार्टवुड है, हार्टवुड का मतलब है बीच की वुड, बीच की लकड़ी जो होती है, बाहर की नहीं, अंदर की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही मजबूत और टिकाऊ लकड़ी होती है। इसके ग्रेन जो होते हैं आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं, एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं, इसी कारण ये लकड़ी जो होती है वो बहुत आसानी से जो है फटती नहीं है, चिरती नहीं है। नीम की लकड़ी या नीम के जो पेड़ होते हैं वे 15 से 30 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं, और उनके ऊपर बहुत ही आकर्षक, जो पेड़ के ऊपर बहुत ही आकर्षक क्राउन नुमा क्राउन्स होते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं, और इनकी बार्क जो है वो फटी हुई होती है, फरोड होती है। इनकी लीव्स जो होती है वो दांतेदार होती है, और यह पेड़ सदाबहार पेड़ है, लेकिन यह जब बहुत भयंकर सूखा पड़ता है तब इसकी पत्तियां जो है वो गिर जाती है, बाकी यह पेड़ जो है वो सदाबहार पेड़ होता है। इसका उपयोग बाड़ बंदी करने में, उसके पोल्स बनाने में, पोस्ट बनाने में किया जाता है। हाउस कंस्ट्रक्शन जो होता है, जब हम मकान बनाते हैं तो उसके पोल्स बनाने में
इसका उपयोग किया जाता है फर्नीचर बनाने में और ईंधन के काम ये नीम की लकड़ी आती है। करीब करीब इसके नीम के सभी पार्ट्स, नीम की लकड़ी के या नीम के पेड़ के सभी भाग, चाहे वो फूल हो, चाहे फल हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे टहनियां हो, वो सभी भाग जो है मेडिसिनली इसका उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में और कॉस्मेटिक पर्पस से इसका उपयोग किया जाता है। और यह पेड़ जो है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होने के कारण यह ज़्यादातर उपयोग में आता है। इसका आमतौर पे इसका उपयोग शैम्पू बनाने में, जिसमें कि यदि डेंड्रफ को ट्रीट करना है, डेंड्रफ हो गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग, चाहे वो एक्ने हो, एक्ने हो, चाहे सोराइसिस हो, तो भी इसका उपयोग, नीम का उपयोग क्रीम के रूप में भी, क्रीम में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह टूथपेस्ट और माउथवॉशेस का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसका कुछ भाग जो है, नीम का कुछ भाग जो है, कुछ पार्ट जो है वो उसमें काम आता है। और नीम का बीजों से निकला हुआ जो तेल है वो इंसेक्ट और माइट रिपेलेंट के लिए डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, मतलब कीड़े मकोड़ों और मच्छरों से बचने के लिए इसके ऑयल का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है वुड प्रोडक्ट्स। वुड प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लाईवुड, प्लाईबोर्ड, पार्टिकल बोर्ड्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनको कहाँ उपयोग किया जाता है और वो किस प्रकार से बनाई जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कमर्शियल प्लाईवुड। कमर्शियल प्लाईवुड जो है वो नमी रोधी प्लाईवुड होती है, जिस पर कि नमी का कोई असर नहीं होता है, और उसे MR प्लाईवुड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की प्लाईवुड का उपयोग घरेलू कार्यों में, जैसे गृह सज्जा के काम में आता है, या हम उसको इंटीरियर डिजाइनिंग में, आंतरिक सज्जा में, आंतरिक डिजाइनिंग के करने के लिए काम में लेते हैं, चाहे वो कैबिनेट के रूप में हो, चाहे वो पैनलिंग के रूप में हो, पार्टीशन के रूप में हो, इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर सूखे शुष्क क्षेत्रों में, जैसे कि जहाँ पर कि पानी का कांटेक्ट नहीं हो, वहाँ पर जैसे लिविंग रूम, स्टडी रूम, ऑफिसेज आदि में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन किचन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि किचन में जो पानी का कांटेक्ट रहता है, इसी कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और ज़्यादातर इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में, पैनलिंग में, पार्टीशन में काम में ली जाती है। कहीं पर जहाँ पर कि पानी का कांटेक्ट है, या पानी का कांटेक्ट, हमको पता है कि यहाँ पर पानी के संपर्क में यदि प्लाईवुड आएगी, तो वहाँ पर हमको वाटरप्रूफ प्लाईवुड का यूज़ करना चाहिए। उसे हम BWR ग्रेड की प्लाईवुड कहते हैं, वो सबसे अच्छी मानी जाती है वाटरप्रूफ प्लाईवुड के लिए। इसको, प्लाईवुड को अपना स्ट्रक्चर देने के लिए, प्लाईवुड को प्रॉपर अपना पूरा स्ट्रक्चर देने के लिए उसको काफ़ी सारी अलग अलग शीटें, वीनियर शीट्स जो होती है, वीनियर शीट्स को आपस में एडिसिव के द्वारा जोड़कर इसको, इस प्लाईवुड को बनाया जाता है। इसमें जो प्लाईवुड में जो लेयर्स होती हैं, जो वीनियर्स की लेयर्स होती हैं, वो सॉफ्टवुड या हार्डवुड दोनों की हो सकती है। कमर्शियल प्लाईवुड को जो उसकी लेयर्स होती हैं उनके नाम से ही मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जैसे तीन लेयर है उसमें तो 3-ply के नाम से जानी जाएगी, यदि उसमें 5 layers हैं, 7 layers हैं, 9 layers हैं, तो 5, 7, 9 ply इसके नाम से जानी जाती है। और जितनी अधिक उसमें प्लाई होगी, जितनी अधिक उसमें लेयर्स होंगी, वो उतनी ही ज़्यादा महंगी होती है। घरों के बाहरी कंस्ट्रक्शन के लिए, बाहर के निर्माण के लिए ज़्यादातर जो है वो 3-ply, 3 layer की जो प्लाईवुड होती है उसको यूज़ किया जाता है। और कैबिनेट बनाने में 5, 7, 9 ply को यूज़ किया जाता है। कमर्शियल प्लाईवुड जो MR ग्रेड की जो प्लाईवुड होती है,
वो 6 mm की यदि है तो वो 1107 रुपये प्लस GST, 9 mm कमर्शियल प्लाईवुड है तो 1304 रुपये प्लस GST, 12 mm है तो 1641 रुपये प्लस GST, 15 mm है तो 2210 रुपये प्लस GST। इस प्रकार मार्केट में इस कॉस्ट में मिलती है। नेक्स्ट है टीक प्लाईवुड। प्लाईवुड जो होती है टीक प्लाईवुड, उसमें क्या होता है कि जो प्लाईवुड होती है यदि हम उसके एक साइड यदि टीक का वीनियर लगा दें, टीक यानी सागवान का यदि वीनियर लगा दें, मतलब महंगा वीनियर है और फिनिश्ड बहुत अच्छा, फिनिशिंग बहुत अच्छी देता है, तो यदि हम सबसे ऊपर की जो टॉप लेयर है उसको हम यदि टीक वीनियर की लगा दें प्लाईवुड पर, तो वो अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मानी जाती है या अच्छी क्वालिटी का प्लाईवुड बन जाता है, और यदि टीक वीनियर लग जाएगा तो उसको हम टीक प्लाईवुड के नाम से जानेंगे। इस प्लाईवुड में जो वीनियर्स हैं उनको मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड जो रेजिन होता है उसके द्वारा इसकी बॉन्डिंग की जाती है, जिससे कि उसके जो इफेक्ट है, जो शाइन है उसकी, और जो स्टेन फ्री सरफेस हमें मिलती है, क्योंकि टीक अपने आप में बहुत ही महंगी और बहुत अच्छी लकड़ी मानी जाती है। इसको कहाँ अप्लाई किया जाता है, टीक प्लाईवुड को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? इसका उपयोग जो है वो फर्नीचर बनाने में, वॉल पैनलिंग में, पार्टीशंस में, फॉल सीलिंग में, डेकोरेशंस में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और यह ज़्यादातर जो है इसकी जो साइज़ होती है, उसकी शीट की जो साइज़ होती है वो 8x4 फिट होती है, लेकिन यह 7x4, 6x4, 3x6, 6x2 फिट में भी हमको मार्केट में अवेलेबल होती है। इसकी जो कॉस्ट है वो 6 mm की, यदि एक साइड पर टीक लग रही है 6 में, 9 में, 12 में, 19 में, तो वो 4535 रुपये प्लस GST में हमको मार्केट में अवेलेबल होती है। ये 6,000 तक भी हमको, 19 mm की 6,000 तक भी मिल सकती है मार्केट में। नेक्स्ट है पार्टिकल बोर्ड। पार्टिकल बोर्ड को चिप बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये जो इंजीनियरिंग जो ये वुड प्रोडक्ट है, ये पार्टिकल बोर्ड, यह लकड़ी के बुरादे से या जूट के बुरादे को, या जूट स्टिक के जो बुरादा होता है उसको एक रेजिन के साथ मिलाकर या बाइंडर के साथ इसको मिलाकर और इसको मशीनों में कंप्रेस कर दिया जाता है और इन शीटों को बनाया जाता है। इन शीटों को बनाने के बाद यह पार्टिकल बोर्ड कहलाता है, क्योंकि इसमें पूरा पार्टिकल ही है, इसमें बुरादा ही है ना, तो इसको चिप बोर्ड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यह जो पार्टिकल बोर्ड होता है इसका जो यूज़ है वो कहाँ होता है? इसका यूज़ जो है वो वार्डरोब्स में ज़्यादातर होता है, किचन कैबिनेट्स और सभी प्रकार के फर्नीचर्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो फ्लैट प्रेस जो पार्टिकल बोर्ड होते हैं, जो चपटे प्रेस किए हुए पार्टिकल बोर्ड होते हैं, उनमें जो चिप्स जो होती हैं, जो बुरादे का जो मतलब फॉर्मेशन होता है वो पैरल होता है सरफेस के समानांतर होता है, सतह के समानांतर इसमें चिप्स को लगाया जाता है। इसमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है सरफेस पर, सरफेस लेयर जो होती है चिप्स की, वो पतली होती है एज़ कम्पेयर टू जो मिडिल लेयर में जो चिप्स लगा रखी होती है। तो इसी कारण जो ऊपर की सरफेस होती है पार्टिकल बोर्ड की वो ज़्यादा घनी होती है, मोर कॉम्पैक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मिडिल लेयर के। अब इसकी जो कॉस्ट है, मैट फिनिश वाले जो पार्टिकल बोर्ड्स हैं उनकी कॉस्ट जो होती है मिनिमम 20 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम जो है वो 58 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक मार्केट में अवेलेबल होती है। ये जो है सबसे कम कॉस्ट का, लीस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल है, मतलब ये सस्ता मटेरियल है जिसका उपयोग फर्नीचर बनाने में ज़्यादातर किया जा सकता है, और सभी इंजीनियरिंग लकड़ियों या प्लाईवुड की अपेक्षा यह बहुत ही कम दाम का मटेरियल होता है। कौन सा? पार्टिकल बोर्ड। फिर है प्लास्टिक लैमिनेट्स। प्लास्टिक लैमिनेट्स जो है वो एक विशेष प्रकार का
लैमिनेट होता है जो कि पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट जो है उसको आपस में मिलाकर, उसको रेनफोर्स मटेरियल के द्वारा साथ मिलाकर और उसके बीच में रेजिन अप्लाई कर, बाइंडर अप्लाई कर, सबको आपस में जोड़कर इनको ऊष्मा और दबाव के द्वारा दबाकर उनकी शीटें बनानी जाती हैं। और ये जो पीएमसी जो मटेरियल होता है, पॉलीमर मैट्रिक्स जो कंपोजिट मटेरियल है, और ये जो है एक फाइबर, जिसमें फाइबर्स जो होते हैं वो एक पॉलीमर मैट्रिक्स के द्वारा आपस में इसमें जुड़े रहते हैं। इनको जोड़कर हीट और प्रेशर से उपचारित कर या प्रेस कर इन शीटों को बनाया जाता है। और इसमें जो मेटल यूज़ किया जाता है, जो कंपोजिट मेटल यूज़ किया जाता है, ये मेटल जो है ज़्यादातर कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल या स्टील यूज़ किया जाता है। ये डेकोरेटिव लैमिनेट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर किचन काउंटर के जो सरफेस हैं, किचन काउंटर टॉप्स जो हैं उनको बनाने में, टेबल टॉप बनाने में और कैबिनेट्स बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो हैं वाटर के संपर्क में आते हैं तो इन पर स्क्रैच भी पड़ते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर किचन में काम करते हैं तो स्क्रैच भी पड़ने के पूरे चांसेस रहते हैं, दाग धब्बे भी पड़ते हैं। तो उन सब का रोधी होने के कारण ये इन पर किसी भी प्रकार का कोई स्टेन नहीं पड़ता है, कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ते हैं और न ही इन पर ऊष्मा का कोई प्रभाव होता है, इसलिए इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये जो लैमिनेट्स हैं वो पानी के कोरोजन के, कोरोजन यानी जंग के, दीमक के, इन सब के रोधी होते हैं। इसी कारण इनकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने के कारण ही इनका उपयोग जो है वो किचन कैबिनेट्स में और टेबल टॉप्स बनाने में ज़्यादातर किया जाता है। और मैक्सिमम ये इनका उपयोग किचन की कैबिनेट्स, मॉड्यूलर किचन जो यूनिट्स होती हैं उनको बनाने में इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। ये बहुत ही टिकाऊ होते हैं, दूसरे फिनिशेस की अपेक्षा ज़्यादा टिकाऊ और ड्यूरेबल मटेरियल होता है, और ड्यूरेबल होने के कारण या लॉन्ग टर्म तक इसका उपयोग करने के अच्छा रहे, इसी कारण इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। और यह इकोनॉमिक भी होता है, यह बहुत ज़्यादा महंगा भी हमको नहीं पड़ता है।